नमस्कार, अवध खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि भारतीय चुनावी परिदृश्य में होता रहा है, एग्जिट पोल के अनुमानों में एक बार फिर बीजेपी विजेता बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में कल शाम 7 चरणों का मतदान समाप्त हुआ, उसके बाद से एग्जिट पोल्स ने जैसा माहौल बनाया है उससे बीजेपी की यूपी वापसी तय लग रही है और अखिलेश एक बार फिर औंधे मुंह गिरते दिख रहे हैं। हालांकि शाम 6 बजे के पहले ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को नजदीक से देख रहे तमाम जमीनी पत्रकारों का अनुमान था कि इस बार बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आसान नहीं है और सपा सत्ता में वापसी कर सकती है। नतीजे तो खैर 10 मार्च को आएंगे, मगर नतीजे बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसा कि एग्जिट पोल अनुमान लगा रहे हैं, तो ये पहली बार नहीं होगा जब जमीनी पत्रकार एग्जिट पोल को समझने में नाकामयाब माने जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम ऐसा देख चुके हैं जब अनुमान था कि बीजेपी की बहुमत के साथ सत्ता में वापसी मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जमीनी पत्रकार जनता के नफ्स को ठीक से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसी विषय को हमने समझने की कोशिश की है वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी से। शीतल पी सिंह जी ने पिछले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश का सघन दौरा किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कई सीटों का दौरा किया है, कई सीटों पर मतदाताओं के मिजाज को समझा है। आइए उनसे समझते हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक बार फिर जनता के मूड को भांपने में विफल होता क्यों दिख रहा है। सर, आप पिछले 2 महीनों से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, आपने लगभग उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों का दौरा किया है, तो क्या माना जाए? अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही रहे तो क्या लगता है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मतदाताओं को समझने में एक बार फिर चूक गया? नहीं, सबसे पहले तो एग्जिट पोल बहुत सारे हैं, करीब एक दर्जन के आसपास हैं, जिसमें से चार के आसपास तो चार क्यों छह हो गए विभिन्न टीवी चैनलों पर है, और कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर है, ये ट्विटर पर है। इनमें जो संख्या है वो संख्या 160 से लेके और 326 तक बीजेपी को दे रही है। बिल्कुल तो ये तो एग्जिट पोल के बारे में भी आप कहेंगे कि उनमें भी एक रूपता नहीं है, उनमें भी विभिन्नता है। टेलीविजन चैनलों पे जो आए हैं, जिनमें सब में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बढ़त दी गई है, वो भी 216 से लेके और 326 तक जाते हैं, 220 से 326 तक। तो ये जो है ये कोई आकलन नहीं है। अगर 220 से आप 326 जाते हैं तो ये तो फिर मतलब ऐसा तो कोई भी कह सकता है कि 400 में से 200 किसी को मिल जाएगी और फलाना किसी को मिल जाएगी, ये नहीं। तो इसलिए हमने इन आंकड़ों के आने के आधार के पीछे के आंकड़े देखने की कोशिश की। कल जब एकाएक ये सब आए तो हम सब लोगों को, जो लोग ये काम कर रहे थे, थोड़ी सी एक चुनौती मिली कि क्या हम लोग इस वक्त को नहीं ठीक से देख सके, और हम में गलतियां कैसे हुई, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई अगर हुई तो, और दरअसल हो क्या रहा है। तो इसमें हमेशा ये होता है कि फिर आपको उसके पीछे के आंकड़े देखने होते हैं कि ये जो उन्होंने नतीजे निकाले हैं इसका बेस स्ट्रक्चर क्या, आधार क्या है। तो मेरे पास सिर्फ एक संस्था का आंकड़ा है और वो है जिसने सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, 326 तक कहा है जिसने, जो एक्सिस का आंकड़ा है, जो इंडिया टुडे ने भी यूज किया है, आज तक ने भी यूज किया है। तो अभी मेरे पास उसका मत प्रतिशत का आंकड़ा अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने भेजा, मैंने भी देख लिया उसे, तब मुझे कुछ चीजें स्पष्ट हुई। अगर मेरे कार्यक्रम किसी ने, कल रात को भी हम लोगों ने साथ हिंदी पर जब इस बारे में बातचीत की, उस समय भी संयोग से वो वीडियो पर है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी बातें लोगों से फोन पर थी, तो एक दो एक कार्यक्रम में थी, मुझे देखना पड़ेगा कि वो पहले कहा था। मेरा ये अनुमान था। अब आप देखिए, हमारा और किसी एग्जिट पोल के काम करने में सामर्थ्य का जहां तक सवाल है, वो मीलों का फर्क होता है। एग्जिट पोल करने वाली संस्थाएं, जैसा वो दावा करती हैं कि वो कम सैकड़ों लोगों को फील्ड में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भेजती हैं, एक सैंपल कलेक्ट करती हैं, मतदाता जो दे के निकलते हैं, तो एक काम, एक पूरी एडिटिंग मशीन होती है दिल्ली में या जहां भी उनका हेडक्वार्टर है, जिसमें कम से कम 20-25 लोग एनालिसिस के लिए बैठते हैं और सैकड़ों लोग फील्ड में होते हैं। इसके बाद वो एक आंकड़ा तैयार करते हैं और उसके आधार पर वो एक एग्जिट पोल बताते हैं। एक वो है,
एक है कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा अपना स्टाफ है ज्यादा ज्यादा जो कैमरा लेके मेरे साथ है, यानी मैं अकेला काम कर रहा हूँ लेकिन मैं 2 महीने फील्ड में हूँ और मैं एक आकलन करता हूँ। ये 2 स्थितियां हैं। इसमें मेरा आकलन है, आप देखें, मैंने कहा है कि दोनों ग्रुप्स को मेरे अनुसार 38% के आसपास वोट मिलना चाहिए। 38% मैंने कहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को मेरे अनुसार इस दौरान जो मैंने देखा है कि 38% इनका थ्रेशोल्ड है, वहां के आसपास कोई 1-2% नीचे, कोई 1-2% ऊपर, ऐसा होना चाहिए, ये मेरा अनुमान था। और उस अनुमान का आधार ये था कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, जिनका हम लोग अध्ययन नहीं इसलिए कर रहे थे कि हम ये मानते थे कि बंगाल की तरह ये चुनाव आमने सामने का चुनाव हो गया है और इन दो दलों की भूमिका बहुत कमजोर रहने वाली है। ये अपने मत प्रतिशत जो इनको पहले मिले थे, अगर उसको एक हद तक घटेंगे तो है ही, लेकिन एक हद तक अगर उसको बरकरार भी रखते हैं एक हद तक, तो सीटें इनको नहीं मिलेंगी, बहुत रेयर सीटें मिलेंगी। अपवाद स्वरूप मूल बंटवारा इन्हीं 2 ग्रुप्स में होगा, एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और एक समाजवादी पार्टी का गठबंधन, और इसके लिए हमने 38% का थ्रेशोल्ड रखा था। आश्चर्य आप करेंगे कि 326 सीट देने वाले इस सर्वेक्षण में भी समाजवादी पार्टी को वो 36% वोट दे रहा है। 36 मेरे अकेले का जो आकलन है पूरे उत्तर प्रदेश में जाने का, उसको सैकड़ों लोगों की टीम, 120 लोगों की एडिटोरियल टीम, एनालिसिस सॉफ्टवेयर, सब मिलजुल के भी वही पहुंच रहे हैं। मैं खुद ही कह रहा हूं कि 38% से 1-2% कोई इधर होगा, 1-2% कोई उधर होगा, ये दोनों ग्रुप्स में, जो दोनों मेन ग्रुप्स हैं, तो वो भी 36% पे आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब परसों काउंटिंग होगी तो ये 36% बदलेगा, 36% से कुछ कुछ प्लस हो सकता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अब आप इस आंकड़े को समझिए कि भाजपा के पक्ष में कितना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को वो 46% दे रहा है। तो 46% की वजह मैं बताता हूँ, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 51% के आसपास वोट मिला है, 51%, तो भारतीय जनता पार्टी का भी वोट गिर रहा है। तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी का डिक्लाइन देख रहे थे तो उसमें गलती नहीं है, 6% वोट उस एग्जिट पोल सर्वेक्षण में जो सबसे ज्यादा दे रहा है, सुनामी दे रहा है, उसके अनुसार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 46% नहीं होगा, आप जब काउंटिंग होगी तो आप पाएंगे कि ये नीचे आएगा और ये 42-43-44 तक मैक्सिमम मुझसे हो सकता है 2% की गलती हो, लेकिन जो मैं 38 से कह रहा हूं कि 2% उधर आगे, 2% इधर पीछे, थ्रेशोल्ड 38 के आसपास आएगा। समाजवादी पार्टी जिसको 22% वोट मिला है सिर्फ 17 में, और उसके बाद वाले चुनाव में तो उसको 19 में और कम मिला है, 22 से भी कम मिला है, 19% के आसपास वोट मिला है, वो 36% जा रही है सर्वेक्षण में, यानी लगभग दुगना हो गया, 19-2 38। तो हम कहां गलत है? हम यही तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है हमें हर जगह मौजूद मिल रही है, वो आमने सामने की उससे लड़ाई हो रही है, जो मुकाबला है उसमें है। क्योंकि एक पार्टी जब 19-38 पे जा रही है तो हमें दुगनी जब दिखेगी तो हमारे आकलन में ऐसा हो सकता है कि जीत रही है, और एक पार्टी जो 51-46 पे आ रही है, यानी कम हो रही है, जो इतना पिछले लोकसभा के चुनाव में 2-3 साल पहले हमने देखा है, तो निश्चित तौर पर हमें लगेगा कि शायद वो मुकाबले में कुछ पिछड़ रही है। ये खेल जो भी हुआ है, ये अगर हुआ है, अभी आंकड़े गिने नहीं गए, अभी अनुमान है, ये इस आधार पर हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 22-23% से घट के 12% हो रही है इनके आंकड़ों में। हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, हमने बहुजन समाज पार्टी का आकलन नहीं किया, हमारे किसी कार्यक्रम में नहीं है, हम सिर्फ उसका संकेत आते थे, उनका जिक्र कर देते थे, क्योंकि हमारी सामर्थ्य कम थी, सामर्थ्य एक आदमी कितना कर सकता है, तो वो मेन इलेक्शन देख रहा था जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा था। हम उससे हुए संकेतकों की जांच करते थे, हमारे संकेतक थे कि पिछड़ी जातियों के वो हिस्से जो यादव नहीं है और दलित जातियों के वो हिस्से जो जाटव नहीं है, वो कहां जा रहे हैं। हमने उन संकेतकों पर काम किया और तुलनात्मक रूप में, कल तो मैं भी रात में जब 12 बजे प्रोग्राम कर रहा था, मेरे पास ये आंकड़े नहीं थे, 11 बजे करीब दूसरे, तो नर्वस था, सच्चाई ये है, क्योंकि एकाएक आप मेहनत करते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपना पैसा लगा के, हम लोग आपको जानते ही हैं, हम सत्य हिंदी वगैरह, हम अपने पैसे से हमने खड़ा किया, हम इसमें चंदा मांग करते हैं, इसको कोई कारपोरेट सपोर्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल सपोर्ट है, ये पूरा जो ट्रेवल एक्सपेंसेस थे वो मैंने निजी तौर पर बियर किए हैं और ये किसी पर मैं बिल नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन पूरी ईमानदारी से अपना काम करने के बाद भी लगता है कि भाई कमी है, मनुष्य है, गलतियां होंगी, हमारे आग्रह हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी सहमत या सहमति है सवालों पर, उनसे गलतियां हो सकती हैं। और उन गलतियों को तलाशने की कोशिश रात में भी मैं कर रहा था, सुबह से ही कर रहा था, बहुत सारे फोन्स आए, दिमाग में था वो, और ये जब आंकड़े जुटे तब थोड़ा सा एक सुलह हुआ कि नहीं, हमने जो काम किया उसमें सच्चाई है, वो सच्चाई के पास है, उसमें वो त्रुटि नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है कि बीएसपी का वोट इतना श्रिंक हो रहा है कि 22-23% से वो 12% पे आ जा रहा है, और कांग्रेस को 7% भी नहीं मिल रहा है उस आंकड़े में, कांग्रेस को सिर्फ 3% वोट दे रहा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस हमारा लक्ष्य नहीं थी। रेयर हमने कहीं कहीं एक सीट अखिलेश की हमने जो उनके एक प्रवक्ता है उनका देखा था, और वो मैंने कहा था कि वो नहीं जीत रहे, तो ऐसे एक दो सीट छोड़ के बाकी प्रदेश हम सपा और भाजपा ही देख रहे हैं। और सपा और भाजपा के बारे में हम जहां पहुंच रहे थे, चीजें उसके नजदीक ही है, करीब है, इसलिए हम हमें अपने काम से असंतोष नहीं है, बल्कि मुझे काफी संतोष हुआ जब मैंने ये आंकड़े देखे। अब यहाँ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप जो आपका अनुमान है कि दोनों पार्टियां कमोबेश एक ही वोट प्रतिशत पर रहेंगी, और जो एग्जिट पोल 38% एक मेरे हिसाब से थ्रेशोल्ड है, एक पार्टी इन दोनों में से कोई एक इसको क्रॉस करेगी जो जीतेगी, और एक किसी के आसपास रह जाएगी, 1-2% पीछे रह सकती है, ये एक और चुनाव का थ्रेशोल्ड होता है जी। एग्जिट पोल बीजेपी को थोड़ा एज दे रहा है। अब इसमें जो वोटर का जो मनोविज्ञान होता है, जो कैरेक्टर होता है, अगर उसको थोड़ा मास लेवल पर समझने की कोशिश की जाए, तो बीजेपी का जो वोटर है उसके बारे में माना जाता है कि वो सोसाइटी में हमेशा ओपिनियन मेकर के रोल में होता है, क्योंकि आप जो उसका सोशल कॉम्बिनेशन देखेंगे, वो सोसाइटी सोशल कॉम्बिनेशन में ही वो सोसाइटी में ओपिनियन मेकर होता है। और एक दूसरी चीज होती है कि वो वोकल होता है, इसीलिए परसेप्शन की जो लड़ाई होती है उसमें हमेशा वो बीस पड़ता है, आगे बढ़ता है। ये जो बीते 2 महीनों का या उससे 1 महीने पहले तक अगर जाएं, अखिलेश जो यात्राएं कर रहे थे उसको देखें, तो इस बार जो परसेप्शन की लड़ाई थी, इवन गोदी मीडिया में भी जो है सपा का वोटर भारी पड़ता दिखा, और आप बोल रहे हैं कि वोट प्रतिशत लगभग एक ही रहने वाला है, तो क्या बीजेपी का वोटर साइलेंट हो गया था, या बीजेपी ने किसी अलग तरीके से चुनाव लड़ा है? नहीं, बीजेपी का वोटर कैसे साइलेंट रह सकता था? बीजेपी के बारे में हम लोगों ने लगभग, मैंने तो ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी कमेंट में या कभी ऐसा कुछ जिक्र न किया हो कि बीजेपी का मतदाता सवर्ण है, मूलतः समर्थक वर्ग जो है उसका वो सवर्ण है, इंस्टीट्यूशंस पर उसकी पकड़ है, मीडिया उसका काम प्रोपेगेट करता है, जो नए टूल्स हैं आज के जमाने के वो सब ज्यादातर उनके पास हैं, चूंकि आर्थिक रूप से वो सबसे संपन्न पार्टी है, कोई मुकाबला नहीं किसी दूसरे का, उनके काम की कवरेज बहुत होती है, प्रधानमंत्री के स्तर पर उसका प्रचार हो रहा था, जिनके आने से वैसे ही सारा आकर्षण उधर चला जाता है और पूरी सरकार की सामर्थ्य उसमें लग जाती है, प्लस उनके पास एजेंसीज और दूसरी चीजें भी हैं, तो बीजेपी का तो वोटर हर जगह वोकल था ही, लेकिन हर जगह समाजवादी पार्टी का भी वोकल सेक्शन या समर्थक सेक्शन मिल रहा था, ऐसा कहीं नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी कहीं एबसेंट हो, जैसे बीएसपी और कांग्रेस बहुत जगहों पर एबसेंट थी, और 6वें-7वें राउंड में बीएसपी थोड़ा ज्यादा नजर आई है, बीच के राउंड्स में एकदम बहुत रेयर इंडिविजुअल सीट्स पे नजर आती थी, या हम लोग खोजते थे तो नजर आती थी, लेकिन कांग्रेस का भी यही हाल था, लेकिन ये दोनों तो हर जगह उपलब्ध थे और इनमें आमने सामने की लड़ाई थी। और अगर ये हम ये आंकड़ा भी ज्यों का त्यों ले लें, 46% और 36%, ये भी बताता है कि वो आमने सामने थे। इस नतीजे भले किसी को ज्यादा सीट हो जाए वो तो परसेंटेज से होता है, लेकिन 36% की पार्टी को आप उत्तर प्रदेश में, जहां इसके पहले समाजवादी पार्टी को जीवन में कभी 36% वोट नहीं मिला है, ये उसके लिए ऐतिहासिक मतदान है, ऐतिहासिक है, वो हारे या जीते वो अलग चीज है, लेकिन अगर वो 36% जो कि एक्सिस कह रहा है कि उसको मिल रहा है, ये उसका ऐतिहासिक मतदान है। तो जब हम पा रहे हैं कि एक दल को ऐतिहासिक रूप से जन समर्थन मिल रहा है, 36% बहुत होता है भाई, तो हम उसे अगर जिक्र कर रहे हैं तो हम गलती नहीं कर रहे हैं वहां पर, गलती सिर्फ ये हुई जरूर है कि हमारी सामर्थ्य में कमी थी, कि हम साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी का भी वैसा एनालिसिस करने की हालत में नहीं थे जैसा एनालिसिस सर्वेक्षण करने वाली इन एजेंसियों के पास
होता है, और उनका चूंकि काम भी लिमिटेड है कि जिस दिन आदमी वोट दे के निकल रहा है उस दिन उनके लोग मतदान के बाहर होते हैं और उससे एक प्रॉक्सी मतदान करा के वो उनकी राय ले लेते हैं और जिसके आधार पर वो एग्जिट पोल का एनालिसिस करते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक खुले मैदान में कोई आकलन करना और एक सिलेक्टिव जगह से निकल के एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा आकलन करना, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए मुझे अपने काम से अब असंतोष नहीं है, कल था। तो ये मतलब इसी आंकड़े को मान लिया तो सीटों में इतना बड़ा अंतर क्यों दिख रहा है? अगर 10% का अंतर जैसा वो कैलकुलेट कर रहे हैं है तो सीटों में अंतर हो जाएगा इतना बड़ा? 10% तो बहुत होता है। हम तो इस चुनाव को एक या दो, हम 1-2% से समझ रहे थे। हमारे हिसाब से एक ग्रुप को 36-37 मिलना चाहिए था, एक ग्रुप को 40-39-40 मिलना चाहिए था, ये हमारा आंकड़ा था, हमारी समझ। जैसे मैंने कहा कि 38 हमारा थ्रेशोल्ड था, एक ग्रुप उसमें से 1-2% नीचे हो सकता था, एक ग्रुप 1-2% ऊपर हो सकता था, लेकिन वो तब था जब हमारे अनुसार 16-18% वोट बसपा ले रही थी और 7% पाने वाली कांग्रेस लगभग अपने पुराने वोट में रहती। हमें ये उम्मीद नहीं थी हमारे आकलन में कि कांग्रेस 7% भी वोट नहीं पाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें तो अब ये तो असाधारण सी स्थिति है। तो कांग्रेस का वोट अगर 4% घट रहा है और बीएसपी का वोट 10% घट रहा है और दोनों 14% में से ज्यादा वोट 22 और 36 में, तो 14 का 14 तो ले गया अखिलेश। यानी इनका अगर वोट घटा और जो कहीं बढ़ा तो सब अखिलेश ले गया। भाजपा तो 51 से घट के 46 आई है, भाजपा भी घटी। अच्छा, अगर आंकड़े जैसे के तैसे हैं, वैसे अभी गिनती होगी तो और करेक्ट होंगे आंकड़े, तो ज्यादा तथ्यों के करीब आएंगे। जी, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अगर एग्जिट पोल को ही मान लिया जाए, जो नतीजे इसी के आसपास रहेंगे, तो क्या दो ध्रुवीय लड़ाई में अखिलेश एक बार फिर फंस कर गलत साबित होंगे? ये माना जाए कि अखिलेश ने गलत टैक्टिक अपनाई। गलत ये तो अखिलेश की बहुत बड़ी विजय है, गलत क्यों होंगे? 47 सीट उनके पास थी और 21-22% से कम वोट था। अगर वो 36% वोट पाते हैं और 100 सीट पाते हैं जैसा इस आकलन में है, जो सबसे उनके खिलाफ आकलन है, वैसे उसमें बहुत सारे आकलन तो उनके चूंकि डाटा नहीं उपलब्ध है इसलिए वो आधे अधूरे हैं, लेकिन अगर ये भी वो पाते हैं तो वो तो विजयी हुए, वो कहां हारे भाई? अगर एक आदमी एक अगले चुनाव में 10-12% 14% वोट बढ़ा रहा है और दुगनी तिगनी सीटें कर रहा है तो हारना थोड़ी हुआ, उसका तो हार क्यों होगी? और अभी वो नौजवान आदमी है, अभी तो वो स्वस्थ है, अगले अभी उसके पास बहुत सारे चुनाव है, ऐसा तो है नहीं कि 75 वर्ष के बाद का हो गया है और अब उसके बाद कोई संभावनाएं नहीं। नहीं, वो 100 MLA कहां, 47 MLA थे, कहां 100 MLA होंगे? 100 MLA के साथ अगर विपक्ष बन के बैठेगा तो वो एक ताकत होती है, ज्यादा बड़ी ताकत होती है। और अब जब अगर ये नतीजा सही है, अभी तो गिनती होनी है, जिसमें बसपा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह डेसिमेट हो जा रही है, तो देश के लिए ही सारी संभावनाएं हैं कि बसपा का वो मतदाता जो पॉलिटिकली चेतन है, जो अंबेडकराइट है, जो भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं आधारों पर आलोचना करता है जिन आधारों पर समाजवादी पार्टी करती है, तो इन लोगों के लिए भविष्य में संभावनाएं खुलती हैं अगले चुनाव के बाद, तो इसको नकारात्मक लेने की कोई वजह नहीं। हाँ, अगर ये नतीजे ऐसे रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था फिर वो बदल सकता है। और ये जो जातीय वो उस तरह से हो जाएगा जैसे तमिलनाडु वगैरह में है कि एक बार ADMK एक बार DMK दोनों दोनों का सामाजिक आधार है, दोनों के पास एक खास एक सॉलिड मत प्रतिशत है और जब किसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी तो दूसरा उस जगह को भर लेगा। तो अखिलेश अगर 36% पाते तो मैं इसे उनके लिए बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो 36% से ज्यादा पाएंगे। अच्छा, एक आप जैसा कांग्रेस और बसपा के बारे में कह रहे हैं कि जैसा अनुमान था वैसा होता दिख नहीं रहा है, तो क्या ऐसा कोई लास्ट मोमेंट पोलराइजेशन था या कोई इस तरह की टैक्टिक थी बीजेपी की जिसको कि समझ पाने में नाकामयाब रहे आप लोग, या जिसको देख नहीं पाए? ऐसा कुछ नहीं था, हमने बताया सिर्फ ये दो, इन दो दलों को हमने फॉलो नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को, जिस तरह से हमने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को फॉलो किया, चूंकि वो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे और हमने कहा कि हम चूंकि एक कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है, इंडिविजुअल है, तो हम जैसे किसी किसी फेज में हम निकलते हैं
तो हम सारी सीटें थोड़ी देख पाते हैं। मान लो 58 सीटों पे चुनाव हुआ, जैसे पिछले में 54 सीटों पर हुआ, तो कल जब मैं निकला था दिन में, तो मैं 54 की 54 थोड़ी जा सकता था, अकेले संभव ही नहीं था। तो मैंने सेलेक्ट की थी कि मैं एक बनारस दक्षिण की सीट देखूंगा, दो मैं चंदौली में देखूंगा कि क्या हो रहा है, और तीन में लौटते हुए एक सैंपल, मैंने दो हिस्से कर लिए थे कल के चुनाव के, एक हिस्सा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है, यानी जो बनारस चंदौली मिर्जापुर सोनभद्र भदोही में होता है, और दूसरा जो गाजीपुर से जौनपुर में होता है। तो एक सैंपल मैं उस उनके जिले का उठाऊंगा, एक सैंपल मैं इस ताकतवर जिले का जो समाजवादी पार्टी के लिए उसका उठाऊंगा, और बीच में एक आध खास सीट जो मैंने जैसे कहा बनारस दक्षिण, तो मैंने लिमिटेड इतना ही काम किया, मैंने जौनपुर देखा, मैंने चंदौली देखा, और मैंने बनारस दक्षिण देखा, और मैं लौट आया। तो पूरे 54 में, जबकि जो जिन्होंने एग्जिट पोल किया होगा उन्होंने 54 की 54 सीट पे उनके लोग होंगे, एक एक सीट पे कई कई दर्जन लोग होंगे, विभिन्न जाति और धर्म समूहों से उन्होंने मतदान निकलते समय उनसे सैंपल लिए होंगे, उसको भेजा होगा, उसको उनकी टीम, एक बड़ी टीम ने वहां सॉफ्टवेयर पे एनालाइज किया होगा जिसमें दर्जनों लोग लगे होंगे, उसके बाद एक एडिटोरियल टीम ने उसको आकलन करके रात में प्रस्तुत किया। तो मेरी और उनकी सामर्थ्य में पहाड़ और पत्थर का। नहीं, इससे बिल्कुल इससे सहमत है हम लोग। आप मतलब अभी आप सीट वार बात कर रहे थे, सिर्फ एक सीट को आप सैंपल के रूप में समझना चाहते हैं, आपने बनारस दक्षिण का नाम लिया, तो आपका क्या अनुमान है? वो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और मुझे लगता है नीलकंठ तिवारी वहां से विधायक है, तो आपका क्या अनुमान? मेरा अनुमान है कि वो सीट में बहुत कड़ी लड़ाई है, बहुत थोड़े मार्जिन से वो हो पाएगी, और जैसा जब मैं वहां से पहले सुबह के पहले हाफ में था, मैं वहां फिर मैं चला आया था, मुझे 3 बजे, लेकिन मैं संपर्क में था, 3 बजे के बाद मुझे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा हुई थी उनके मैनेजमेंट में, तो उन्होंने 3 बजे के बाद लोगों को घरों में जा जाके कोशिश की है, चूंकि मतदान का प्रतिशत लो था और ये उम्मीद थी कि दूसरी तरफ से मतदान हुआ है, तो उन्होंने बहुत कोशिश की है और 3 बजे के बाद उन्होंने अपने मत डलवाए हैं, तो अब हो सकता है कि वो अपनी सीट किसी तरह से बचा ले, वरना शुरू में तो सुबह के जो मतदान 12 बजे तक हुआ उसके अनुसार तो वो ये गंवा भी सकते थे। तो ये बहुत क्लोज होगा ये चुनाव, 17,000 के आसपास पिछली बार का इसमें डिफरेंस था, इस बार ये घटेगा ऐसा अनुमान लग रहा है, जो कल मैंने देखा और जो मैंने पूछा दोनों से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये एक पक्ष था।